अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस इज़ योर मैथ्स बुक। ओपन योर बुक पेज नंबर 15। प्रीवियस क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। नंबर ए दिया हुआ है, ये हमें मल्टीप्लाई के सवाल दिए हुए हैं। इधर 225 नीचे दिया हुआ है, ऊपर 182165 वैल्यू दी हुई है। तो हमने 25 को ऊपर वाली वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई दे देना है। तो हमने 1 by 1 करना है। पहले सबसे पहले 5 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले 5 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको वन क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस को, ये वाले क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस, यह क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। तो आप इसे वर्टिकली राइट करेंगे दैन मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसका आपको वन क्वेश्चन समझाती हूँ सॉल्व करके, बाकी के ऑल क्वेश्चंस आप ऊपर से 10 के 11 के खुद करेंगे। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, हमारी कॉपी में, हमारी बुक में हमें इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है। वर्टिकली हमने इस पर इस तरह से राइट कर लिया, वर्टिकली में हॉरिजेंटली दिया हुआ था हमें, हमने इस तरह से वर्टिकली में राइट कर दैन मल्टीप्लाई के इस तरह से करेंगे। 9 0 0 9 0 0 9 2 18, तो 8 यहाँ है क्या, 1 केरी 18 के ऊपर चली जाएगी। 9 1 9 9 में 1 को प्लस करेंगे आ जाएगा 10 10 की 1 केरी 9 के ऊपर चली जाएगी। 9 9 81 81 में 1 को प्लस करेंगे तो 82 हो जाएगा, तो 82 का 2 नीचे आएगा और 8 केरी इसके ऊपर चली जाएगी सेकंड वैल्यू पे। 9 2 18 18 में 8 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 में 8 को प्लस करके देखते हैं, 18 में 8 को प्लस करें, 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 26। तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे, 26। सेकंड मल्टीप्लाई देने जाएंगे तो मल्टीप्लाई के निशान ही लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0 0 3 2 6 3 1 3 3 3 9 27, तो 7 नहीं आएगा और 2 केरी इसके ऊपर चली जाएगी। 3 2 6 6 में 2 को प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे, 8 ऐसे उतार देंगे। दोनों वीडियो को हमने मल्टीप्लाई दे दिया, अब हम क्या करेंगे, नीचे लाइन लगा देंगे और इन्हें सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इन सब वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस। तो 0 का 0 उतर जाएगा, 0 का 0 आ गया, 8 में 0 को प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा, 0 में 6 को प्लस करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 6 में 7 को प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा 13 का, 1 इसके ऊपर कैरी चली जाएगी। 2 में 1 को प्लस करेंगे 3 3 में 8 को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 11। तो ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आपकी समझ आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में मल्टीप्लाई के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑल क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। जिस तरह मैंने आपको वन क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, समझाया है, इसी तरह आपने ऑल क्वेश्चंस करना है। आई होप कि आपके अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।